नमस्कार। आज से हम शुरू करेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण, गौर करिएगा, ये हिंदी भाषा और व्याकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जेल प्रहरी जो कुछ ही महीने बाद आयोजित होगी, या फिर एमपीएसआई या व्यापम के, या फिर अन्य वो सभी वनडे एग्जाम जहां पे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। इसलिए आपको ध्यान समझना होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा सा परंपरागत तरीके से हट करके इसको हिंदी भाषा और व्याकरण को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा फोकस होगा कि उन मेन टॉपिक को अपन पहले कवर करें जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। और प्रयास होगा कि आपकी जो रटने की प्रवृत्ति है उसको थोड़ा सा हम आसान बनाएं, या रटने के का जो बोझ है उसको हम हल्का करें और हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, तो हमारा प्रयास होगा कि हम अपना बेहतर देने का प्रयास करें। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए, हिंदी भाषा और व्याकरण, इसको समझने से पहले, जैसे अभी मैंने आपसे कुछ 30 सेकंड लगभग हमने आपसे बातें की, ये क्या था, ये हमने अपने आपके सामने विचार रखे। विचार मैंने क्या रखा कि हमारा प्रयास होगा कि हम बेहतर करेंगे। फिर इसमें आपको मेरा कुछ भाव समझ में आया होगा, भाव क्या है कि हम बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हम अपने विचार, भाव, या फिर इस तरह से बाकी जो भी आप पक्ष कह सकते हैं, यानी वो आप इंग्लिश में इमोशंस कह सकते हैं, इन सब को जब हम प्रकट करते हैं तो इसी को हम सामान्य रूप से संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। अक्सर आपने इन शब्दों का प्रयोग किया होगा और हम डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण करना संचार कहलाता है। अब आप ये सोचिए कि जो संचार होता है उसमें हमारे विचार हैं, भाव हैं, हमारे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि क्या ट्रेडिशन रहा है एग्जाम का, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर हमारा जो इस विषय को लेकर के हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, इन सब को हम आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, हम इसके साथ आपको बताएंगे, साझा करेंगे, ये सब क्या हो जाएगा, एक साथ संचार हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं इस संचार के लिए हमको बोलना भी पड़ रहा है, हमको लिखना भी पड़ रहा है, और हमको कई बार संकेतों का भी प्रयोग करना पड़ रहा है। जैसे कई बार हम हाथ हिला देते हैं, ये हाय होता है, बाय होता है, टाटा होता है, इस तरह से, ठीक है। कई बार आप देखिए, आप काम में बिजी हैं और आपसे किसी ने पूछ लिया खाना खाएंगे, आपसे हिला देते हैं हाँ या नहीं में, ये सब क्या है, संकेत है। हालांकि वर्तमान जो विद्वान है वो भाषा को लिखित और बोलने हुए स्वरूप में ही स्वीकार करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक सांकेतिक स्वरूप भी या एक सांकेतिक आधार भी है। कई बातें जो है संकेत के माध्यम से कही जाती हैं, इशारों के माध्यम से कही जाती है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताइए यहाँ जाने का रास्ता कहाँ है, तो आपने इशारा कर दिया और सामने वाला समझ गया। तो कुल मिलाकर अब आप मेरे भावों को समझ जाइए कि संचार के लिए हम अपने जो विचार है, भाव है, अनुभव है, ज्ञान है, उनको बोलकर, लिखकर या फिर सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं माध्यमों को, चाहे बोलकर हो, चाहे लिख करके हो, चाहे संकेत के रूप में हो, जिस भी रूप में या जिस भी माध्यम से हम संचार स्थापित करते हैं, इसी को कहा गया भाषा। आप भाषा को अब समझ पा रहे होंगे, तो अब आप भाषा को कह लीजिए कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, सबसे सरल रूप में। तनाव आपको नहीं लेना है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विद्वानों की परिभाषाएं अपनी अलग हो सकती हैं, तो आपको यह भी समझना होगा कि हमको वहां पर परिभाषा नहीं लिखनी है, हमको बहुविकल्पी प्रश्नों में से कोई एक सही विकल्प का चयन करना होगा, ठीक है। तो सरल शब्दों में कहें कि वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही कहलाती है भाषा। और यह भी एक बड़ा बेसिक है कि जो भाषा है वो किस धातु से बनी है, तो भाषा जो है भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना। भास धातु का अर्थ होता है बोलना, या फिर आप इसी को कह सकते हैं कहना। तो अब हम सीधे बात करते हैं जो हमको पढ़ना है, जो यह हमारा जो टॉपिक है हिंदी भाषा और व्याकरण। अब आप यहां पर देखिए, इसमें हम हिंदी, दूसरा शब्द लिखा है भाषा, तीसरा शब्द लिखा है व्याकरण।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा की। तो अभी हमने भाषा के बारे में क्या बताया, अपने विचार, भाव, अनुभव, ज्ञान, इन सबको व्यक्त करने का माध्यम। कहने का आशय यह है कि भाषा जो है वह संचार का माध्यम है, भाषा संचार का माध्यम है, ठीक है। अब यह इसके अगर आधार देखें, यह संचार किस रूप में हो सकता है, तो यह संचार बोलकर हो सकता है, यह संचार लिखकर हो सकता है, और यह सांकेतिक रूप से भी हो सकता है, मतलब यह मौखिक भी हो सकता है, यह लिखित भी हो सकता है, और यह सांकेतिक भी हो सकता है। फिर आपको पता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जिस तरह से एक संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भाषा को शुद्ध रूप में, परिष्कृत रूप में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए एक ऐसे ही ग्रंथ की, या फिर कह लीजिए ऐसे ही नियमों की समूह की आवश्यकता होती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। इसके भी हम तीन रूपों की चर्चा करेंगे। इसमें पहला भाग होगा वर्ण विचार, दूसरा होगा शब्द विचार, और तीसरा होगा वाक्य विचार। बिल्कुल हम इसको सब कुछ डिटेल करेंगे एक एक करके। आज ये ध्यान रखिएगा, सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए आपको इसको बड़े हल्के से इसको समझना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें जो है परंपरागत रूप से हटकर होंगी, कुछ आपको नई चीजें सीखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसको पूरा देखने का प्रयास करिएगा, हो सकेगा तो नोट भी करिएगा कॉपी में, या फिर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देखें, यह संचार का माध्यम है जिसको हम बोलकर, लिखकर और सांकेतिक रूपों में प्रयोग में लाते हैं। अब आते हैं कि यह हिंदी क्या है, ठीक है। फिर भाषा की कई सारी विशेषताएं पर अपन डिटेल में चर्चा कर लेंगे, अभी हम इसको सामान्य रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो अब आपको यह जानना होगा कि भाषा के तीन आधार हो गए। एक आधार हो गया भौतिक या लिखित कह लीजिए, ये भौतिक या लिखित, या इसी को स्थाई, जो चीजें लिख जाती, जैसे हमको जो वैदिक ग्रंथ मिले हैं, परंपरागत जो ग्रंथ मिले हैं वो लिखित रूप में मिले हैं। फिर मौखिक का ही दूसरा नाम है अभौतिक, और ये अस्थाई होती है, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, फिर दूसरे को बता पाने की स्थिति में हम नहीं होते हैं। तो हम आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है, जब हम हिंदी भाषा के विकास को पढ़ेंगे। पहले तो सामान्य परिचय था, अब थोड़ा सा ये समझ लें आखिर हिंदी क्या है। ध्यान दीजिएगा, आज इस इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय की क्लास में ही आपको कई सारे फैक्ट मिलेंगे। जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और हो सकता है कि नया भी क्वेश्चन मिल जाए, इसीलिए इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो हिंदी, पहली बात तो आप ये समझ गए कि हिंदी भाषा है, लेकिन देख रुकिए, विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं हैं। विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए आप किसी गांव में रह रहे हैं, ठीक है, उस गांव में आपके यहां 3000 लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन वहां की जनसंख्या जो है 3000 है, लेकिन घर क्या 3000 होंगे? नहीं होंगे, घरों की संख्या कम होगी, जिनको आप परिवार कहेंगे, एक परिवार ए का, एक परिवार बी का, एक परिवार सी का, एक परिवार डी का, इस तरह से। उसी प्रकार से दुनिया भर की जो लगभग 3000 भाषाएं हैं, उन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000। इन 3000 भाषाओं को कितने परिवारों में बांट दिया गया है? 13 भाषा परिवार में बांट दिया गया है। अब आपको यह समझना होगा कि इन 13, अब यहां पर भी आपको ये बिल्कुल नहीं कि 13 भाषा परिवार कौन है, हम उनका नाम रख लीजिए, इसमें इतना ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ना इतना ज्यादा आपको परेशान होना है। आपको यह समझना होगा इन 13 भाषा परिवार में हमारी भाषा किस परिवार की है,
और हमारा जो इतना बड़ा देश है भारत देश, उसमें क्या एक ही भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। तो ये तो समझ पा रहे हैं कि देश में 22 भाषाएं संवैधानिक रूप से स्वीकार की गई हुई है। तो मतलब एक भाषा तो नहीं बोली जाती अपने देश में, तो फिर क्या वो सभी भाषाएं एक ही परिवार की है या फिर वो अलग अलग परिवार की है? तो सबसे पहले आपने ये समझा कि हमारे देश में जो 13 भाषा परिवार है उनमें से 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं, विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा जा सकता है और इन 13 भाषा परिवारों में से भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं 4 परिभाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा भाषा समूह है वो है भारोपीय, दो शब्द से बना है, भारत और यूरोपीय। अब आप ये सोचेंगे कि भारत तो ठीक है पर ये यूरोप शब्द कहां से आ गया? चलेंगे जड़ में भी चलेंगे, बिल्कुल मैंने कहा ना कि रूट से हम शुरू करेंगे, जीरो से बढ़ेंगे आगे, शून्य से बढ़ेंगे और शिखर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो अभी सामान्य परिचय से अभी हम नहीं जाते, थोड़ा सा एक इसका आउटलाइन लेके जब दूसरा लेक्चर होगा, दूसरी क्लास होगी या दूसरी वीडियो में हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो भारोपी भारत और यूरोपी एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भारोपी। इसके बाद दूसरा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा परिवार है ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ठीक है? अब आप देखिए सबसे बड़ा भाषा परिवार भारत में लगभग 73% जो भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा वो यूरोपीय भारत या भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। फिर लगभग 25% जो है द्रविड़ के अंतर्गत और 1.3% ऑस्ट्रिक के अंतर्गत और 0.7% जो है वह चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत भाषा आती है। तो आप समझ सकते हैं फिर से, विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इनमें से भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि भारत में लगभग कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, 4 भाषा परिवार हैं, और भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? सबसे बड़ा भाषा परिवार तो आप समझ चुके हैं, हिंदी भारोपी या फिर भारोपी भाषा परिवार या भारत यूरोपीय भाषा परिवार, क्योंकि यहां पर लगभग बोली जाने वाली भाषा का 73% भाग जो है 73% जो हिस्सा है वह हिंदी भारोपी परिवार के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है द्रविड़, लगभग 25% बोली जाने वाली भाषा जो है वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। 1.3% बोली जाने वाली भाषा आस्टिक परिवार के अंतर्गत आती है, 0.7% भाषा जो है वो चीनी तिब्बती। तो कितनी भाषा परिवार? 13। भारत में कितनी बोली जाने वाली भाषाओं को कितने परिवार में रख सकते हैं भाषा परिवार में? 4। सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा समूह जो है भाषा परिवार का समूह भारत में कौन सा है? हिंदी भारोपी। कितने प्रतिशत? 73%। सबसे छोटा, वो भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा तो हिंदी भारोपी, सबसे छोटा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसके बाद आपको ये समझना होगा जो हमारा ये हिंदी भारोपी भाषा परिवार है इसको 10 भागों में बांटा गया है, 10 भागों में। उन 10 भागों को या 10 शाखाओं को ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में रख दिया गया है। मैंने क्या कहा फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो हिंदी भारोपी भाषा परिवार है इसे 10 शाखाओं में बांटा गया है और ध्वनि के आधार पर उन 10 शाखाओं को 2 वर्गों में रखा गया है। तो मैंने आपसे क्या कहा
जो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार है इसके 10 शाखाओं को दो वर्गों में रखा गया है। एक वर्ग के अंतर्गत 6 शाखाएं, एक वर्ग के अंतर्गत 4 शाखाएं। 6 शाखाएं हैं केंटुम वर्ग के अंतर्गत। कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन आप इसलिए नहीं छोड़ सकते या इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि नया है। नया ही तो आपको पढ़ना है, परंपरागत चीजें तो कब तक आप पढ़ते रहेंगे। अब कुछ नया करना होगा, तब तो कुछ नया होगा आपके साथ। तो कहने का सही है कि हिंदी भारोपीय जो हमारा भाषा परिवार है उसकी 10 शाखाओं को दो वर्गों में बांट दिया गया। सतम वर्ग जिसके अंतर्गत 4 भाग हैं, केंदुम वर्ग जिसके अंतर्गत 6 भाग हैं। इन 4 में से हमको चारों से मतलब नहीं है, यहां 6 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब यह है जिससे हमारी भाषा हिंदी जुड़ी हुई है या जिसका संबंध हिंदी से है या जिस शाखा से हिंदी संबंधित है। तो इस सतम के जो 4 वर्ग हैं उसमें भारत ईरानी जो शाखा है इसका संबंध हमारी भाषा से है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भारत ईरानी जो शाखा है जिसका संबंध जो है हमारी भाषा से है, डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय ने इसको 3 भागों में बांट दिया है। समझते चलिएगा, ईरानी। अब इसके पीछे जो लॉजिक है उसको हम हिंदी भाषा का जो विकास क्रम वाला टॉपिक उसमें डिटेल से इसका असर भी बताते चलेंगे। अभी थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये ईरानी दर्द ये सब कहां से आ रहा है, तो बिल्कुल आपको अभी सिर्फ सुनते जाने लास्ट तक, ठीक है। और जो इसमें फैक्ट मिलेंगे उन फैक्टों को बिल्कुल अपने दिमाग पे बैठा लेना। भारत ईरानी को मैंने बताया कि डॉक्टर गिरशन महोदय ने 3 भागों में बांट दिया, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। अब आपको पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है इतना तो सबको पता होता है कि संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, कुछ लोग उसी अपभ्रंश के एक रूप को अवहट्ट कह देते हैं, सिक्वेंस भी मुझे पता है कि आपको पता होगा, लेकिन आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए क्या क्या है। संस्कृत, फिर संस्कृत से ध्यान रखिएगा भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा अर्जित की जाती है, भाषा की कई विशेषताएं होती हैं। तो जो भाषा का स्वरूप वैदिक काल में था आज वो स्वरूप नहीं मिलेगा। और वैसे भी आज हिंदी के लिए एक नया शब्द प्रयोग किया जाता है, नई वाली हिंदी। कुछ नए जो लेखक हैं वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, नई वाली हिंदी, चाहे वो दिव्य प्रकाश दुबे हो, आपने नाम उनका सुना होगा, या इसी प्रकार से नीलोत्पल मृणाल हो, कई ऐसे लेखक हैं जो एक नया शब्द गढ़ रहे हैं, नई वाली हिंदी। मतलब वो है कि हिंदी कोई भी भाषा हो वो परिवर्तित होती रहती है। जैसे आप अंग्रेजी में देखिए आपको सुनने को मिल जाता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नया शब्द जोड़ा, जैसे सेल्फी। इसी तरह से नए परिवर्तन होते रहते हैं, नए शब्द जुड़ते रहते हैं, नए परंपरागत शब्द जो हैं परंपरा से बाहर होते रहते हैं उनकी जगह पर नए शब्द आके जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। अब कैसे परिवर्तन हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वो आगे का विषय है। तो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अब जैसे अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो इसके प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ में 27 भेद बताए गए हैं। प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेद बताए गए हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि उन 27 में से 7 मुख्य भेद हैं, 7 इसके प्रमुख, 7 मुख्य भेद हैं। तो हालांकि बताया तो 27 तक जाता है, लेकिन जो आपको संख्या याद रखनी है वो संख्या है 7। तो आप यहां तक समझ गए, अपभ्रंश के 7 प्रमुख भेद हैं। उन 7 भेदों का एक बार हम नाम देखते हैं। सौर श्रेणी, सवाल ये कि सौर श्रेणी क्या है, बताइए आगे। अर्धमागधी, मागधी, केकय, टक, ब्राचर, महाराष्ट्री। हो सकता है पहली बार आपको नाम लग रहा है, कुछ लोगों को अजूबे की तरह लग रहा होगा, लेकिन जब कुछ नया मिलेगा तब तो पढ़ने का आनंद है। सौर श्रेणी, अर्धमागधी, मागधी, केकय, इसी से लहदा, ये पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान की भाषा है, ठीक है।
टक इसी से संबंधित है पंजाबी, ब्राचड़ संबंधित है सिंधी, महाराष्ट्री संबंधित है मराठी। सात नाम पहले, सौर सेनी, अर्धमागधी, माघदी, केकय, टक, ब्राचर, महाराष्ट्री। सात नाम अच्छे से सुन लीजिए, सात नाम फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, सौर सेनी, अर्धमागधी, माघदी, केकय, टक, ब्राचर, महाराष्ट्री। फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलिए आप, सौर सेनी, अर्धमागधी, माघदी, केकय, टक, ब्राचर, महाराष्ट्री। अब सवाल यह है कि इनमें से, सात में से हमारी हिंदी भाषा किनसे संबंधित है? इन सात में से इन तीन भाग से या इन तीन जो भेद लिखे गए हैं, कौन कौन से? सौर सेनी, अर्धमागधी और माघदी, इनसे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा का विकास, तो हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के कितने रूप से हुआ है? तीन रूप, सौर सेनी, अर्धमागधी और माघदी। सौर सेनी के अंतर्गत तीन उपभाषाएं हैं, सौर सेनी के अंतर्गत तीन उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, तीन, एक दो तीन। अर्धमागधी के अंतर्गत एक उपभाषा पूर्वी हिंदी, माघदी के अंतर्गत एक उपभाषा बिहारी। गिन लीजिए, एक दो तीन चार पांच। अब बताइए आप कितनी उपभाषाएं हो गई? पांच। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। अब इनके अंतर्गत बोली कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी में छह बोली, राजस्थानी में सात बोलियां हैं, पहाड़ी में तीन, पूर्वी हिंदी में तीन, बिहारी में तीन। टोटल कर लीजिए, पश्चिमी हिंदी में छह, राजस्थानी में सात, पहाड़ी में तीन, पूर्वी हिंदी में तीन, बिहारी में तीन। टोटल कर लीजिए कितनी हो गई? ध्यान रखिएगा, बोली है ये, इनको आप टोटल कर लीजिए सबको, 22। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन 22 बोलियों में से व्यापकता के आधार पर वर्तमान विद्वान जो हैं 17 बोलियों की ही चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए हिंदी भाषा क्या है। शुरुआत से आते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि विश्व में लगभग 3000 भाषा बोली जाती है, उनमें से 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में रखा गया है, जिनमें से 4 भाषा परिवार की भाषा भारत में बोली जाती है। सबसे बड़ा भाषा परिवार जिसके अंतर्गत भारत की 73% भाषाएं या भाषा बोलने वाले लोग आते हैं वो कौन सा है? हिंदी भारतीय। ठीक है, फिर दूसरा बताइए, द्रविड़, आश्रिक और इसी तरह से चीनी। फिर मैंने बताया कि उस जो हिंदी भारोपी है उसकी 10 शाखाएं हैं, 2 वर्ग में बांट दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद आप यहां तक पहुंच चुके हैं, और जब यहां तक आप पहुंचे तो उनमें से देखा कि अपभ्रंश के जो है 7 भाग हो गए, उन 7 में से हिंदी का विकास जो है 3 भाग से संबंधित है, सौर सेनी, अर्धमागधी और माघदी। फिर इन तीनों को, इन तीनों अपभ्रंश के जो भेद है उनको 5 उपभाषाओं में बांटा गया। उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से, या कुल कहेंगे तो 22, और मुख्य रूप से बात कहेंगे तो 17 बोली आ जाती है। अब आप हिंदी को परिभाषित करिए, अब आप हिंदी को परिभाषित करिए, हिंदी क्या है। तो अगर आप यहां तक समझ पाए होंगे तो यह समझ के चलिए कि एक प्रश्न आपने अपना सही कर लिया, एक अंक आपने सुनिश्चित कर लिया। अब आप ये कह सकते हैं 3 अपभ्रंशों से निकली, 3 अपभ्रंश कौन कौन से हैं? सौर सेनी, अर्धमागधी और माघदी। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से किस अपभ्रंश का संबंध हिंदी भाषा से नहीं है, तो इन 3 का है, बाकी जो चौथा ऑप्शन होगा उसका नहीं होगा। फिर कितनी बोलियां? 22, या फिर जो वर्तमान में मुख्य रूप से याद करना है वो है 17। ठीक है,
इन 22 बोलियों को कितने, आगे जो हमने बताया था उपभाषा समूह, कितने उपभाषा समूह में रखा गया था? 5 उपभाषा समूह। 3 अपभ्रंशों में से निकली 22 बोलियों, 5 भाषा समूहों व 1 मानक भाषा खड़ी बोली एक मानक भाषा खड़ी बोली के समूहगत रूप को हिंदी कहा जा सकता है या हिंदी कहते हैं। कई फैक्ट आपको बता दिया गया। तो हिंदी भाषा का संबंध कितनी अपभ्रंश से है, कितनी बोलियों से है? 17 मुख्य रूप से अगर कहेगा तो 17 ध्यान रखना है। वो भाषा समूह कहेगा तो 5 भाषा परिवार बता ही दिया। इसके पहले भी आप जोड़ सकते हैं 4 भाषा परिवार, लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है? भारोपी या हिंदी भारोपी भाषा परिवार से है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, 3 अपभ्रंशों से निकली 22 बोलियां, 5 उपभाषा समूह व 1 मानक भाषा खड़ी बोली के समूहगत रूप को हिंदी कहते हैं। तो ये था सामान्य परिचय। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारा सामान्य परिचय इतना विशिष्ट है तो हमारा जो टॉपिक चलेगा यह हिंदी भाषा का विकास या बाकी जो हम पढ़ेंगे क्रम से वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, वो हम किस स्तर तक उसको लेकर के चलेंगे। और ये भी प्रयास रहेगा कि अनावश्यक चीज़ों को शामिल ना किया जाए, उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाए, उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाए जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि प्रश्न नहीं आएगा, संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। इसलिए आप पुराने जो पेपर है, और एक बात ध्यान रखिएगा जैसे जेल प्रहरी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपकी SI का है, इसलिए आप SI जेल प्रहरी के साथ साथ SI एग्जाम को भी टारगेट करिए। मतलब एक निशाने, एक तीर से आप 2 निशाने लगाइए, ठीक है। उसी मेहनत में आप 2 परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ या वैदिक काल से हिंदी आज तक इस रूप में कैसे पहुंचे। धन्यवाद।